गुड मॉर्निंग क्लास यूकेजी बच्चों, विषय है आपका हिंदी। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक आओ ज्ञान बढ़ाएं स्वर खोल लीजिए और देखिए इसमें हम आ की मात्रा वाले शब्दों को अपनी कॉपी में और पढ़ने का अभ्यास कर रहे थे, जिसमें हमने पहले इनमें दो अक्षरों वाले और फिर तीन अक्षरों वाले और आज हम लिखेंगे अपनी कॉपी में चार अक्षरों वाले शब्दों को। तो इससे पहले हम इन्हें अक्षरों को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो देखिए आप भी देखिए पेज नंबर 8 में, यहाँ पे है सबसे पहले ट, मो मो पे आ की मात्रा माँ, ट र टमाटर, फिर है त ल, वो मो पे आ की मात्रा वा, र तलवार, अ ख, ब वो पे आ की मात्रा बा, र अखबार, भ ग, वो पे आ की मात्रा वा, न भगवान, अ ओ पे आ की मात्रा आ, स मो पे आ की मात्रा मा, न आसमान, फिर है अ र, मो पे आ की मात्रा मा, न अरमान, फिर प क, वो पे आ की मात्रा वा, न पकवान, फिर द र, वो पे आ की मात्रा वा, जो चो पे आ की मात्रा जा, दरवाजा, ब ल, वो पे आ की मात्रा वा, न बलवान, और फिर लास्ट में है सौ, मो पे आ की मात्रा मा, चो पे आ की मात्रा चा, र चा, समा चा। तो ये क्या है, आ की मात्रा वाले चार अक्षरों वाले शब्द हैं जिन्हें हम अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की कॉपी खोल लीजिए और देखिए, आप भी सबसे पहले आज के दिनांक डलवा लीजिए, फिर हम लिखेंगे आ की मात्रा वाले शब्द। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आपको अक्षरों को और उन पर आ की मात्रा लगाकर शब्दों को बनाना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले है लिखा हुआ ओ, और पे आ की मात्रा जोड़ने पर आ, स, मो पे आ की मात्रा मा, न आसमान। आप स्वयं भी प्रयास करेंगे इन अक्षरों को, इन शब्दों को बनाने का। फिर है द र, वो पे आ की मात्रा वा, जो पे आ की मात्रा जा, दरवाजा, स, तीसरे में स, मो पे आ की मात्रा मा, चो पे आ की मात्रा चा, र समाचार। फिर चौथे में पौ पे आ की मात्रा पा, ठ, श पे आ की मात्रा ल पे आ की मात्रा। तो ये हुआ आपका पाठशाला। फिर पांचवे में ब ल, वो पे आ की मात्रा वा, न बलवान। इस तरह से आप इन शब्दों को बनाने का प्रयास करेंगे और लिखने के साथ साथ आप इन्हें पढ़ पढ़ कर बोलने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पे ये आपको स्वयं करना है। देखिए यहाँ पे है, जिसमें पहला है को, कोपया की मात्रा न, तो यहाँ पे इन अक्षरों को मिलाकर क्या शब्द बनेगा, तो आपको स्वयं से लिखना है। फिर दूसरे में बो पे आ की मात्रा ल क, फिर डो पे आ की मात्रा ल, सौ पे आ की मात्रा ग, र, और पांचवे में है ट, मो पे आ की मात्रा ट, र। तो यहाँ पे आपको इन अक्षरों में आ की मात्रा जोड़कर शब्द बनाना है और ये काम आपको स्वयं करने का प्रयास करना है। तो चलिए बच्चों, आज आप आ की मात्रा वाले चार अक्षरों वाले शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।